अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है जी। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के साथ सबसे पहले आप सबको, आज चूँकि जुमा है, जुमातुल मुबारक है, आप सबको जुमा की मुबारक हो। और उसके बाद आपको सबसे पहले बता दूँ कि आज हम क्या खाने वाले हैं। आज हम जनाब ये काली काली दाल यानी ये मसर दाल और उबले चावल, और ये हमारे लवाजमात उसी तरह इधर पड़े हुए हैं। तो आपको तो पता ही है कि दाल चावल में जो है ना वो काली दाल और उबले चावल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और बहुत जो है ना मशहूर है, आम है ये। बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। तो दालें तो बहुत सारी हैं, चने की दाल है, मसूर की दाल दूसरी दाल है इसमें, और आपको पता है कि दाल की बिरयानी भी बनती है, चने की दाल की बिरयानी भी बनती है। बहरहाल आज तो हम इंशाल्लाह इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आज की छोटी सी बात, आप भी कहते होंगे कि हम हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव बात ही करते हैं जो वहाँ यहाँ से मिलती है हमें, लेकिन हम अच्छी बात भी करते हैं जो हमें नज़र आती है हमारे सोसाइटी में आते जाते इधर उधर। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि वही हमें बात करनी पड़ती है। तो आज की बात तो सिर्फ इतनी है कि जो हमने पहले ट्रैफिक में बात की थी, वो आपको पता है कि ट्रैफिक की वजह से ही लोगों का जो है ना वो मूड, लोगों का बिहेवियर का पता चलता है कि वो आम गली मोहल्लों में वो कैसा उनका बिहेवियर होगा, अपने लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होगा। अगर आपने ट्रैफिक, आप लोगों का देखना है ना कि कुछ बिहेवियर उस सिटी में, सोसाइटी में कैसा है लोगों का, तो आप जब ट्रैफिक में जाएंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हाँ वो किस जगह पे जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि हर जगह ही ऐसे ही है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। कोई इशारों पर नहीं रुकता, कोई जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना वो देखते रहते हैं। मैं मसलन जाता हूँ तो इशारे तो है नहीं है आम सिटी में, सिर्फ कैंट में होते हैं। तो वहाँ पे मैं रुका रहता हूँ और साथ वाले मोटरसाइकिल वाले निकल जाता है, गाड़ी वाला निकल जाता है, देखता है कोई गाड़ी नहीं इधर उधर से आ रही, इशारा जो है ना वो बंद भी है तो फिर भी निकल जाता है। ये इनफैक्ट लोगों को रिस्पेक्ट का ही नहीं पता कि किसी चीज़ की रिस्पेक्ट, कानून की रिस्पेक्ट, और यानी जो मुल्क के कानून है उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो एक सिविलाइज सिखाया नहीं जाता यहाँ पे ड्राइविंग। सिविलाइज सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कानून हो चाहे दूसरा बंदा। ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं किसी के पास, मुझे नहीं लगता 90% लोगों के पास नहीं है लाइसेंस वगैरह। तो बहरहाल ये कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, बस यही आप सबसे गुजारिश है कि ज़रा रिस्पेक्ट किया करें इन चीज़ों की। तो अपना ही मुल्क है, अपना ही सब है, हम खुद करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। चंद लोग बस खड़े रहते हैं, वो भी शायद डर से खड़े रहते हैं जो खड़े होते हैं उनको देखकर। बहरहाल अल्लाह ताला सब पर यहाँ पे रहम करे और कुछ ना कुछ सीखने की और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हम अपने दाल चावल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और आप ये वीडियो वॉच कीजिए तो देखिए क्या है। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे और आप सबसे राज़ी हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।